सिंगरौली में उचित मूल्य की दुकान पर सेल्समैन द्वारा राशन में कालाबाजारी करने का मामला सामने आया है। लोगों ने इसकी शिकायत थाने में की है। बताया जा रहा है कि सेल्समैन कम अनाज की तौल करता है और विरोध करने पर अभद्र भाषा का उपयोग करता है। लॉकडाउन के चलते सरकार गरीबों को सस्ते दाम पर राशन उपलब्ध करा रही है, लेकिन उचित मूल्य की दुकान पर सेल्समैन की मनमानी के चलते गरीबों का राशन हड़पने का काम किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला मोरवा के वार्ड क्रमांक 9 से आया है, जहां सेल्समैन द्वारा राशन कम दिया जा रहा है और आवाज उठाने पर सेल्समैन गाली गलौज करने लगता है। पूर्व पार्षद प्रवीण तिवारी ने इसकी लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई है और ऐसे लापरवाह सेल्समैन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सामुदायिक भवन के पास वार्ड नंबर 9 का कोटा है। कोटेदार एक तो अपने घर में कोटा संचालित कर रहा है। पिछले कई महीने से इस लॉकडाउन के पीरियड में बार बार इन महिलाओं के द्वारा शिकायत की जाती रही है कि राशन हम लोग 50 किलो जो शासन के द्वारा आता है, जब हम लोग घर में नापते हैं तोलते हैं तो 36 किलो निकलता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कांटा सबको कांटे से तोलने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पे एक डब्बा नाप के हिसाब से रख लिया है। उस डब्बे से नाप के इन लोगों को बेचारों को दे देता है और जब ये लोग आपत्ति करते हैं तो इनसे अभद्रता गाली गलौज करता है। ये राजेंद्र सिंह के नाम से कोटा है, लेकिन उनका बेटा अमित वहाँ पे कोटे में राशन वितरित करता है। वहाँ पे हम लोग हैं, इलाजी चौराहे पे कोटा है वो राजेंद्र का, और वो जब भी हम लोग कोटा लेने जाते हैं तो हमेशा बदतमीजी से पेश आता है और हमेशा कम देगा। जब भी जाएंगे हर महिला का ये हर महीना एक भी नहीं, जब कोटा खुलेगा तब इसका चालू नौटंकी हो जाता है। गौरतलब है कि पहले भी सेल्समैन के खिलाफ खाद्य अधिकारी से शिकायत की गई थी, पर खाद्य अधिकारी तो उन पर मेहरबान नजर आए थे। आपूर्ति अधिकारी बालेंद्र शुक्ला से जब इस बारे में पूछा गया तो वह अनजान बने रहे। अब सवाल ये है कि क्या अधिकारियों की भी इसमें मिलीभगत है या रसूख के चलते अधिकारी सेल्समैन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। संज्ञान में कोई शिकायत नहीं है, आपके द्वारा ऐसा बताया जा रहा है, तो इसके लिए हम जांच कराएंगे, जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।